नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं एक जाना महना चेहरा सोनाली मैडम, जो डीएपीपी प्रोग्राम की हेड हैं। जी हाँ, जिनमें से जो मेरे को पहली बार सुन रहा है आप में से, मैं आपको बता दूं, डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम जिसका नाम संकल्प है, एक बैच का नाम संकल्प बैच है, ये इस उद्देश्य से बनाया गया है कि कैंडिडेट्स के अंदर इंग्लिश का फियर खत्म हो। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी, मैम ने हमें बताया था कि इंग्लिश के तीन प्रकार के फियर होते हैं। एक, अगर कैंडिडेट को बोल दो इंग्लिश में बोलने के लिए, वो एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है। दूसरा, बोलते बोलते वो बिल्कुल रुक जाता है। और तीसरा, उसको वोकैबुलरी नहीं आती, उसको वर्ड ही नहीं आता कि वो बोलेगा क्या। इन तीनों फियर को दूर करने के लिए और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस करने के लिए डीएपीपी प्रोग्राम बना है, जिसका मूल उद्देश्य है कैंडिडेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस भरा जाए, कैंडिडेट्स के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काम किया जाए। मैडम, स्वागत है स्टूडियो में एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपने मेरे को बताया था कि डीएपीपी प्रोग्राम आप और कैप्टन सर अक्सर डिस्कशन करते हैं कि आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सुधारेंगे। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? सर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, क्योंकि आप नॉन वर्बल इज द वे यू एक्ट। अच्छा, आपने सुना होगा अकॉर्डिंग टू साइंस जी, आप किसी भी इंसान को जब पहली बार देखते हैं जी, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर जी, हम उसका एक इम्प्रेशन अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक बात है। कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसा होने वाला है, वो अच्छा होगा या नहीं, ये सिर्फ 30 सेकंड आपके दिमाग को लगता है। सो नॉन वर्बल टेक्निक्स कम्स बिफोर वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा। आपके बोलने से पहले द वे यू आर बिहेविंग, द वे यू आर ड्रेस्ड अप, आप किस तरीके से आते हैं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा। तो सबसे ज्यादा जरूरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है। तो इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं अपने इस डीएपीपी प्रोग्राम में। तो मूल उद्देश्य क्या है डीएपीपी, मतलब क्या हम इसको स्पोकन इंग्लिश क्लास बोले? नहीं, मत बोलिए, स्पोकन इंग्लिश क्लास नहीं है ये। अच्छा। मूल उद्देश्य है कि आपके मन में जो भी चीजें आ रही हैं, आप किस तरीके से फियरलेसली बिना डर के, और डर किसका है? इंग्लिश का। तो बिना डर के आप इंग्लिश भाषा में इसको एक्सप्रेस कर पाए। अच्छा। हम डीएपीपी में स्पोकन इंग्लिश जैसी कोई चीज नहीं कर रहे हैं, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले हैं, idioms, इन सब पे हम कुछ नहीं ध्यान देंगे। अच्छा। to be very true and frank, जी। हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो भी आपको आता है, जो आपको अच्छे से वर्ड आज तक आते हैं, उसी को आप यूज करना बस सीखे। मैडम, मैं इसी YouTube चैनल पे सर्च करता रहता हूँ, अक्सर मेरे को वो वीडियोस आती हैं कि 30 मिनट में 30,000 वर्ड समझें, सीखें। तो वर्ड्स वोकैबुलरी पे आप काम नहीं कर रही हैं? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वोकैबुलरी आपके पास है लेकिन जितनी है उतने को भी हम प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं। हमें बहुत एडवांस वोकैबुलरी की जरूरत ही नहीं है ना इधर। हम कोशिश करेंगे कि आप अपनी बातों को सरल सीधी भाषा में, एकदम लेमैन लैंग्वेज में, जो एक कॉमन आदमी समझ जाए, उस तरीके से बात करें। अब कोई जरूरत नहीं ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको वर्ड सिखा रही हूँ, लेक्वेशियस बोलो। अब क्या है लेक्वेशियस, एक कॉमन मैन को भी नहीं पता। नहीं पता, मुझे अगर नहीं पता। आप नहीं पता, नहीं पता, अगर आप रट भी लेंगे तो भी आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना, दूसरा आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये लेक्वेशियस वर्ड्स तो आप नहीं सिखा रही? करा लेक्वेशियस इस जो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत बातूनी। अच्छा, जैसे हम लोग हो गए, मैं और आप, तो हम टॉकेटिव वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं ना, जो आप एक नॉर्मल आदमी समझ जाए। बिल्कुल। तो हम बहुत इजी भाषा में, अच्छा, एक्सप्रेशंस पे काम करेंगे। अच्छा। नॉन वर्बल तरीका मतलब आप किस तरीके से, किस पैटर्न में बोल रहे हैं, आपकी वॉइस कैसी आ रही है। यू शुड हैव अ पिच, एक बोलते समय आपने देखा है ना, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपकी आवाज में आनी चाहिए। आपकी रिदम कैसी है, आपकी जो टोन है वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा। पिच, योर स्पीड, बहुत ज्यादा तेज बोलने से भी ना कुछ समझ में नहीं आता है। सो योर स्पीड, आप रुक रुक के बोलिए, आराम से बोलिए। देयर इज नो नीड टू बी इन वेरी मच हरी की इंग्लिश बोलना है तो बस बोल बाल के खत्म। बहुत लोग होते हैं कि भाई तेज बोलते हैं कि बस देर जाए। तो वो स्पीड, आपकी पिच, आपकी रिदम क्या है, वॉइस क्या है, इसको मैंने आरएसवीपी टेक्निक आपको बताया याद है मुझे पिछले वीडियो में, आरएसवीपी सारी चीजें नॉन वर्बल्स हैं, वर्बल प्लस नॉन वर्बल की तरह से हम इसको ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे इस कोर्स। मैडम, एक सवाल है जी, एक एस्पिरेंट जो सर्विंग है,
ACC एंट्री, PCSL एंट्री, SCO एंट्री, अपने जीवन के 20-25 साल उसने अंग्रेजी नहीं बोले, आप कैसे श्योर हो सकती हैं कि 90 दिन के इस DAPP प्रोग्राम में आप उसकी उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगी? मतलब क्या मेथोडोलॉजी आप फॉलो करने वाली हैं? क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई स्पोकन इंग्लिश का ये बैच, स्पोकन इंग्लिश का वो बैच, आपकी 90 दिन की बीइंग अ ट्रेनर आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी होगी, तो ये 90 दिन आपने क्यों चुने और 90 दिन में कैसे आप ये चीजें करेंगी? सर, जो जिसने कभी बोला नहीं जी, है ना, तो मेन चीज क्या है, उसको बुलवाना। तो इस पूरे 90 दिन के कोर्स का अगर मैं जिस्ट निकाल के दूं आपको, उद्देश्य बुलवाना, तो वो है बुलवाना। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने, जिन्होंने बोला ही नहीं 20-25 साल, उनको सिर्फ बुलवा रहे हैं, उनको आता है, जो चीजें उनको आती हैं वही हम बुलवा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी मेथोलॉजी हमने इसके अंदर डाली है। हमारे मेथड्स बहुत इजी हैं, टेक्निक्स बहुत बहुत ज्यादा आई थिंक क्रिएटिव है और रिस्पॉन्सिव है। उसका रिजल्ट आई बिलीव जरूर आना चाहिए अगर हमारा कैंडिडेट उस पर फॉलो कर रहा है और अच्छे से बोल रहा है। अच्छा। तो इस 90 डेज के प्लान को हमने ऐसे शेड्यूल करा है कि हर दिन हमारा एस्पिरेंट कुछ नया सीखेगा भी और उसको फिर बोलेगा भी। अच्छा। तो इंग्लिश के साथ जो दोस्ती करनी है हमें, वो इन 90 डेज में हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, और फिर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली चीजें अंग्रेजी में ही सोचकर बोल दे। अच्छा। पॉइंट ये कि हम ये थोड़ा ट्रांसलेट जो करते हैं ना, हिंदी से इंग्लिश की तरफ जो ट्रांसलेशंस पे जाते हैं, उसको कम करके डायरेक्ट इंग्लिश सोचकर बोलने पर काम करेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप एक ट्रेनर हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आप एक एक दिन का तो शेड्यूल नहीं शेयर करेंगे क्योंकि वो आपकी अपनी रेसिपी है, लेकिन मोटा मोटा मैडम बताना चाहेंगी कि कैसे आप इस चीज को ले जाएंगी जो आपने अभी बताया। जी, जैसे सर आप मान लीजिए कि कुछ शुरुआती 10 दिन में जी, हम सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अच्छा, ठीक है। सो इस ट्रांसलेशन में, जैसे कुछ हिंदी के पैराग्राफ्स को आप कैसे उसका संक्षेप निकाल कर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा। सो कुछ 10-12 दिन हम इस टेक्निक पर देंगे कि आप हिंदी से इंग्लिश के ट्रांसलेशंस की तरफ कैसे बढ़ेंगे, एंड कुछ मिरर टेक्निक्स। सबसे ज्यादा हमारा ब्रेन को ये ट्रेन होना इम्पोर्टेंट है कि हम, जो सबसे बड़ा फियर है ना कि हम इंग्लिश बोलते समय अजीब से लगते हैं, कैसे साउंड करते हैं। सो ये मिरर टेक्निक से हम आपको सिखाएंगे कि यू लुक गुड, इनफैक्ट यू लुक वेरी गॉर्जियस व्हाइल यू टॉक इन इंग्लिश। अच्छा, तो कुछ ट्रांसलेशन, बड़ी अच्छी चीज बता रही हैं आप। तो हम मिरर्स की प्रैक्टिस अपने एस्पिरेंट्स को कराएंगे और उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश बोलते वक्त भी वो उतने ही अच्छे लगते हैं जितना हिंदी बोलते वक्त। तो ये कुछ शुरुआती 10 दिन। अच्छा, हम तो पहले 10 दिन आपने ट्रांसलेशन पे कर दिया, ट्रांसलेशन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर सर हम कुछ स्मॉल नरेशंस आपसे कराएंगे। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि हम आपसे रीडिंग करा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशंस आपको दे रहे हैं, जिसमें आप स्मॉल पैराग्राफ्स को नरेट करेंगे और उनका मीनिंग फिर अपने वर्ड्स में लिखेंगे। अच्छा। लिखेंगे, बोलेंगे, डिस्कस करेंगे सारी चीजें एक साथ। सो इसके साथ ही आप किस तरीके से बोल रहे हैं, वही RSVP टेक्निक को हम साइड बाय साइड इम्प्लीमेंट करते ही रहेंगे। तो नेक्स्ट 20 दिन तक हम आपको नरेशंस कराएंगे, स्मॉल लिटिल पैराग्राफ्स की रीडिंग, पैराग्राफ्स को बोलना, नरेट करना, अपने वर्ड्स में लिखना और सुनना, बोलना, डिस्कशंस करना, ये सब एक एक कैंडिडेट ये करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा। हर कैंडिडेट पे पर्सनल अटेंशन रहेगा। अच्छा। हर एक कैंडिडेट अपनी बात को रखेगा और फिर दूसरे उसको अच्छे से सुनेंगे भी, बिकॉज लिसनिंग इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। अच्छा। आप जितना सुनेंगे जी, द वे यू लर्न हिंदी एज वेल, नो, जितना हमने चीजें सुनी उतना इम्प्लीमेंट करी। सो हर कैंडिडेट बोलेगा भी और सब लोग अटेंटिवली उसको सुनेंगे भी। तो 10 दिन पहले 10 दिन आपने नरेशन करा दिया, अगले 10 दिन आपने ये रीडिंग की प्रैक्टिस करा दी और RSVP टेक्निक पे काम किया, तो 20 दिन खत्म हो गए। फिर नेक्स्ट मैडम, so now once the aspirant is well versed with this language, अब समझ गए कि अंग्रेजी को कैसे करना है, कैसे बोलना है, they're comfortable इस भाषा के साथ, so now अब 10 दिन हम फोकस करेंगे कि आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के सामने, बिकॉज दिस इज द बेसिक कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो वी गो विद दिस इंट्रोडक्शन टेक्निक, सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, वी टेल देम द डूज एंड डोंट्स,
जो जो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, व्हाइल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, किसके सामने आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी होगा, डिस्कशन सब चीजों में होंगे, हर एस्पिरेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, अपनी चीजें बताएगा. सो विल गो बाय दिस टेक्निक फॉर द नेक्स्ट 10 डेज. अच्छा, तो 30 डेज आपके पूरे हो गए, ऑलमोस्ट. इंट्रोडक्शन भी आपने इसमें ले लिया. नेक्स्ट मैडम, अब अगले 10 दिन सर कोशिश करेंगे कि हम अपने डेली में जो काम करते हैं, योर डेली रूटीन, उसको किस तरीके से दूसरे के सामने पोर्ट्रे करना है इंग्लिश में, वो चीजें हम काम करेंगे. अच्छा, सो 10 डेज के लिए हम अपना एक दूसरे का, आई बिलीव कि अब तक हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान जाएंगे, बिकॉज जब आप अपना डेली रूटीन किसी के साथ शेयर करते हैं, सो ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट 10 डेज पे प्योर फोकस रहेगा. 40 दिन आपके हो गए, मतलब मोटा मोटा सिंपल लैंग्वेज DAPP का आधा दिन, आधा जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा. तो आपको लगता है 40-45 दिन में वो इतना बोलने लगेगा कि वो अपना अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे ना. ये सारी चीजें वो है जो आप ही जानते हैं, डेली रूटीन आप ज्यादा जानते हैं, अपने बारे में आप ही जानते हैं. सही बात है. सो इन अ वेरी लेमैन कॉमन नॉर्मल लैंग्वेज हम कोशिश करेंगे कि आप वो सारी चीजें हमसे शेयर करें. अच्छा. और वही हम आ रहे हैं अपने फियरलेस एक्सप्रेशन की तरफ, कि आप कैसे अपनी चीजें, जो मूल उद्देश्य था DAPP का वही रहेगा हमेशा कि फियरलेस एक्सप्रेशन हो. अच्छा, बहुत बढ़िया. डर से भाग कर आप अपने आप को नेक्स्ट 40-45 दिन में क्या क्या प्लान है. अब इसी में सर हम कुछ न्यूज रीडिंग. अच्छा, क्यों आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहे तो न्यूज. सही बात है, स्पेशली DAPP एस्पिरेंट्स, ये वो एस्पिरेंट्स होंगे जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, SSB इंटरव्यू फेस करने जाएंगे, तो करंट अफेयर्स और न्यूज बहुत जरूरी है. एंड आई एम श्योर मैडम ये आपने बहुत सही काम किया कि करंट अफेयर्स भी इनकी इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी विद इंग्लिश, है ना. सो हम कुछ न्यूज रीडिंग्स कराएंगे. इनफैक्ट न्यूज रीडिंग करने के बाद हम ये टास्क देते हैं कि बच्चे अपना एक एस्पिरेंट को एक न्यूज प्रिपेयर कर कर आए और फिर वो सबके साथ उसको डिस्कस हर रोज एक एक एक. तो हर तरीके से हम उनको एकदम इनरिच कर रहे हैं कि वो अपने करंट अफेयर्स को भी अपडेटेड रखें, कैसे उसको प्रेजेंट करना है वो चीजें भी ध्यान में रखते हुए. ये नेक्स्ट जो हमारा आगे 60 दिन का हो गया, 60 दिन हो गए सर. आखिरी टेन्योर जो आखिरी महीना होगा, आखिरी वीक में, आखिरी आप मंथ समझ लीजिए, उसमें हम कोशिश करेंगे बहुत सारे डिस्कशन इन्वॉल्व करने की. अच्छा, छोटे मोटे टॉपिक्स पे, हॉबीज, फैमिली, ठीक है, आप अग्निवीज, जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उस पे आपका क्या क्या ओपिनियंस है. अच्छा अच्छा, क्या आप जो डेली के टॉपिक्स हो गए उस पे आप ओपिनियन पूछेंगे. एग्जैक्टली, तो सब मिलकर एक साथ बैठकर उन सारी चीजों पर डिस्कशंस करें. बहुत बढ़िया. कोई असेसमेंट का भी इसको तरीका है. आखिरी के 10 दिन हम यही करेंगे कि असेसमेंट ऑफ व्हाट एवर यू हैव लर्नड, आपने जो भी सीखा है वो कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है आपके अंदर, कैसे आपने उसमें, हम मॉक इंटरव्यूज कराएंगे, हमारे असेसर्स SK सर, पंकज सर, मेरोत्रा सर आकर बच्चों का फीडबैक्स लेंगे, उनका मॉक इंटरव्यूज लेंगे, उनको असेस करेंगे कि वॉट एवर दे हैव लर्न उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है और कितना और काम करना है. सो सारी चीजें एकदम प्लान. क्या बात है मैडम, ऑल द वेरी बेस्ट. हम बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, मैं भी आऊंगा इस क्लास में. क्लास की टाइमिंग्स क्या है. क्लास की टाइमिंग्स इवनिंग में है 8 to 9, 8 PM to 9 PM, सो दैट एवरीबॉडी कैन कंफर्टेबली कम एंड जॉइन द बैच. किसी तो मतलब वो काइंड ऑफ रिज्यूविनेट होगा इंसान, बड़ा पॉजिटिव होगा इस क्लास से. क्या बात है मैम. एस्पिरेंट्स DAPP प्रोग्राम उन एस्पिरेंट्स को टारगेट कर रहा है जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को फेस करना चाहते हैं, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं. ऐसे बहुत सारे हमारे जवान भाई हैं, ऐसे बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास बहुत, जिन्होंने अपने जीवन में किया है, जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की कमी है. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यानी कि एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल यूजर्स iOS स्टोर से त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें. रजिस्टर करने के बाद फ्री कोर्सेज में जाएं. ऑफिसर कैटेगरी में DAPP संकल्प बैच, डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम बैच को डाउनलोड करें, मैडम की वीडियोस देखें और इस बैच से जुड़ें. उपदेश ये कि 90 दिन में
हम आपको पॉलिश करेंगे, मैडम पॉलिश करेंगे, हम तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बट हाँ, मेरे को बड़ा अच्छा ये लगा कि चेक मेथडोलॉजी है, असेसमेंट मेथडोलॉजी है। आपको याद होगा स्कूलों में एग्जाम्स इसलिए लिए जाते थे ताकि बच्चों को पता चल सके बच्चों का क्या प्रेजेंट आउटलुक है, कितनी तैयारी है, और रिपोर्ट कार्ड के द्वारा पता चलता था कहां तक वो तैयारी सफल हुई। और डीएपीपी का रिपोर्ट कार्ड लास्ट वीक में मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई तैयारी है या नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट मैडम, एंड मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ वीडियोस जरूर आप डीएपीपी के लिए बनाएं। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी डीएपीपी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें एवं वीडियोस देखें, पहले खुद एनालाइज करें कि मैडम किस तरीके से करा रही है, उसके बाद ही जुड़े। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको डेमो चाहिए तो मैम गुजारिश रहेगी कि डेमो भी एक दो वीडियोस दे दीजिए, एक दो क्लासेस दे दीजिएगा ताकि कैंडिडेट्स को आप पे ट्रस्ट आए। थैंक यू मैडम, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जय। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस अकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।